अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। सरधना के खिरवा जलालपुर गांव के हालात देखकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। आलम यह है कि लोगों का आना जाना दुश्वार हो गया है। वीडियो में आप यहां के हालात पर गौर कीजिए, किस कदर नालियां चौक हो रही हैं और सारा पानी सड़क पर जमा हो रहा है। बताया जा रहा है कि उच्च अधिकारियों की उदासीनता के चलते डेयरी संचालक समरसेबल से गोबर बहा रहे हैं, जिसकी वजह से बस्ती के लोगों का गली मोहल्ले से निकलना दुश्वार हो रहा है। साफ सफाई को लेकर ग्रामीण कई बार संबंधित अधिकारियों के पास जा चुके हैं, बावजूद इसके हालात में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रही इस मस्जिद में नमाज अदा करने वाले नमाजियों के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। कोई भी अधिकारी इन गांव वासियों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब इस सिलसिले में क्षेत्र वासियों से पूछा गया तो उन्होंने यह बताया, सुनिए। पानी भरा हुआ है, सब आने जाने की परेशानी, दिक्कत, नमाज ही नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो रहा, कितने परेशान है, बच्चे इसमें गिर रहे हैं, मच्छर इतने हो रहे, बीमार पड़े हुए, क्या करें, कब तक करें बताओ। कोई साधन तो इसका निकले पानी के लिए। मस्जिद है तहसील सरधना जिला मेरठ। साफ पानी पानी है, निकलने बढ़ने का रास्ता देख लो, ये सब रास्ते बंद हो रहे हैं। ये मस्जिद है ना, तो कोई मस्जिद में नमाज ही जा रहे, और यहाँ पानी पानी भरा पड़ा, यहाँ सब परेशान है, घर वाले, ये घर है, रास्ता बंद है, पानी कहीं को नहीं निकलना, सारा रास्ता बंद है। डेयरियों से निकलने वाला गंदा पानी बस्ती के खड़ंजे पर फैल गया है। इससे स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती के लोगों का कहना है कि कई बार ग्राम प्रधान से लेकर संबंधित विभाग तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओषा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।